हेलो गाइस, तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिड रेंज फ्लैश गिफ्ट स्मार्टफोन की जो कि आता है आइको की तरफ से, और ये आइको का अभी तक का सबसे बेस्ट फ्लैश गिफ्ट स्मार्टफोन रहने वाला है, जिसका नाम है IQ95G। और ये अभी तक के एंड्रॉइड के सबसे बेस्ट पावरफुल चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है, एंड काफी अच्छी आपको स्पेक्स के साथ आता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के ऑल स्पेक्स की, इसके प्राइसिंग की, फीचर्स की एंड इसके परफॉर्मेंस की। तो क्या कुछ आपको इस स्मार्टफोन देखने को मिलता है जाएंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, और वीडियो आपको जो अच्छी लगे तो जरूर से कर दीजिए लाइक, एंड चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो आप देख पाए। तो चलो शुरू बात करें स्मार्टफोन की। तो ये कंपटीशन देने वाला है OnePlus के 10T 5G को, जिसके लॉन्च डेट रही 3 अगस्त को। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके जरूर से देख सकते हैं। लॉन्च डेट की बात कर ले तो 2 अगस्त को आप इसकी लॉन्च डेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन की। तो दोस्तों आपको जो इसका बैक पैनल है वो आपको बिल्कुल सॉलिड एंड प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। आगे पीछे आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। तो आप स्मार्टफोन को देखें, जो इसका अपर साइड है वो कैमरा लेआउट से पूरा अपर साइड को ढक दिया गया है। 2 कलर की आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। उसको ये पसंद आ भी सकता है, कोई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता है, वो आपकी चॉइस बनती है। आपको स्मार्टफोन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो डिस्प्ले बेस्ट ऑफ द पार्ट रहने वाला है, जो कि तो डिस्प्ले काफी अच्छा रहने वाला है स्मार्टफोन का, जिसमें आपको 6.7 इंच का सेंटर पंच होल कैमरा के साथ आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल देखने को मिल जाए, जो कि सैमसंग का E5 एमोलेड पैनल। 1300 nits की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट रहने वाला है। आप डायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छी तरह से विजिबल कर पाएंगे एंड चला पाएंगे। बेजल्स भी काफी आपको पतले देखते मिल जाए, तो आपको जो व्यूइंग एंगल रहने वाला है मल्टीमीडिया कंजप्शन का वो काफी बेस्ट रहने वाला है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स स्मार्टफोन की, जो कि हो रहा है इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात करें, स्मार्टफोन में आपको अभी तक का सबसे पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 देखने को मिल जाए, जो कि सबसे पावरफुल चिपसेट है। दोस्तों 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहने वाला है, तो काफी बैटरी एफिशिएंट भी रहने वाला है आपका प्रोसेसर। V1+ नाम से आईक्यू के द्वारा एक चिप बनाई गई है, जिससे ये इमेज की प्रोसेसिंग, आपकी डिस्प्ले एंड जो आपका प्रोसेसर है उसमें काफी हेल्प करेगा आपको एक बेटर आउटपुट देने में। कैमरास की वही बात कर लें, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो आपका प्राइमरी सेंसर है वो 50MP का सोनी का OIS के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, काफी बेस्ट रहने वाला है। 12MP का आपको प्रोटेट कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, तो काफी ब्लरी फोटो आप निकाल पाएंगे इससे। एंड 30MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, तो आपको काफी अच्छे एंगल डिग्री के साथ आप फोटो ले पाएंगे। एंड मेन सेल्फी कैमरा की बात कर लें, तो 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 180p पे आप रेजुलेशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन एक और मेन चीज की, जो रहने वाली इसकी बैटरी। दोस्तों बैटरी की बात कर लें, तो स्मार्टफोन में आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो फास्ट चार्जिंग काफी इंसेन रहने वाली है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जो आपको चार्जर है 120W का, वो IQ इंडिया ने प्रोवाइड करा दिया आपको बॉक्स में, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है। ओवरऑल आपको एक एमोलेड डिस्प्ले, काफी अच्छा प्रोसेसर एंड 4700mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो आराम से 1 या 1.5 दिन आप जरूर से इससे निकाल पाएंगे। एंड चार्जिंग भी आपकी काफी फास्ट रहने वाली है। तो अब बाद में इंपोर्टेंट की बात कर लें इसकी प्राइसिंग की, तो ये बेसिकली 2 वेरियंट में आने वाला है, जो की 8/128GB एंड 12/256GB। तो अगर बेस वेरिएंट की बात कर लें तो 8/128GB, तो इसकी प्राइस अराउंड 49,999 रुपये बताई गई, यानी कि 50,000 रुपये का इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ठाक लग रहा है। एंड अगर दोस्तों हम सेल में कार्ड पेमेंट्स में बात कर लें, तो ओवरऑल दोस्तों 45,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आपको मिलता है तो काफी बेस्ट डील रहने वाली स्मार्टफोन की। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर दीजिए, एंड कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।